स्वागत है आप सबका न्यूज पर न्यूज में। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है कल, और कंपनी का नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। जैसा मैंने बताया कल इशू खुलेगा, 24 तारीख तक खुला रहेगा, ठीक है। प्राइस बैंड 243 से 256 रुपए का है। 58 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो वर्तमान में निवेशक हैं वो 250 करोड़ के आसपास का बेच रहे हैं, और 160 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। तो दोनों मिलाकर लगभग 412 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू है, और जिस प्राइस पर इश्यू आ रहा है ऊपरी बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है 2000 करोड़ रुपए का। तो 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है ई मुद्रा लिमिटेड। अब ये बता दूं कि ये करती क्या है। 2008 में 3i इन्फोटेक की सब्सिडियरी के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 2010 में इंडस इनोवेस टेक्नोलॉजी ने को इन्होंने अधिग्रहण किया था, और उसके बाद नाम बदलकर ई मुद्रा कंज्यूमर सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया। दिग्गज लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कंपनी का लगभग 38% मार्केट शेयर है। ये कंपनी का मुख्य कारोबार है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर वेंकट रमन श्रीनिवासन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो प्रमोटर भी हैं कंपनी के। मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स में किया है, CS ICW वाह तीनों ही गजब, और उसके बाद आईटी सेक्टर में 34 साल का अनुभव है। श्रीनिवासन सर स्वागत है, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो ये बताइए CS ICW करके आप आईटी सेक्टर में कैसे चले गए, वो भी 34 साल पहले से? No, first I was in financial sector. Right, sir. Then later on I got lot of interest in IT, and then around from late 1980 started learning lot of IT and then got into IT sector. Wonderful. Sir, पहले ये बताएं आप हिंदी समझ पा रहे हैं या मैं इंग्लिश में सवाल पूछूं आपसे? हिंदी आई विल अंडरस्टैंड बट आई कैन आंसर इन इंग्लिश। नो वरी सर। अच्छा सी ए कब किया सर आपने? सी ए 1979 में। क्या बात है, हमसे तो बहुत सीनियर है, बहुत मैं तो 93 का मॉडल हूँ सर, तो इस हिसाब से आप तो हमारे से बहुत ही सीनियर है, तो मजा आ गया सर इतने समय पहले 1979-1980 में। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इतना इंटेलेक्चुअल प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। अच्छा सर अब ये बताइए, पहले इससे पहले मैं पूछूंगी कंपनी क्या करती है, पहले मुझे जरा कंपनी का, आपकी कंपनी का और 3i इन्फोटेक का क्या कनेक्शन है वो जरा समझाइए। No, this company was originally promoted by 3i Infotech. Right. So then 3i Infotech in 2010, they decided to sell. Then this Indus Innovest company, they bought over this company in 2010. And in Indus Innovest was supported by Wolters Kluwer's in Netherlands. Then in 2013, Wolters Kluwer's also wanted to exit, and at that time, I purchased the company in 2013. Then I came into, though even when Wolters Kluwer, I was a non-executive chairman. After I acquired the company in 2013, 100%, then I relocated to Bangalore and then started managing the company fully. That's the original promoter was 3i Infotech, but they sold within 2 years. As of today, आज 3i Infotech का आपकी कंपनी का कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, right sir? No, the thing is, क्योंकि मैं वो पूछना इसलिए जरूरी था कि 3i Infotech बड़ी मुश्किलों में रही कंपनी, और वो पता नहीं क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट हुए, और उसके बाद तो मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टर्स कहीं कंफ्यूज हो। 100% ऑफ शेयर वाज परचेस्ड, सो आफ्टर दैट नो कनेक्शन। राइट सर, परफेक्ट। तो 3i Infotech से कोई लेना देना आज की तारीख में है नहीं। अब ये बताएं सर आपकी कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस है आपका एग्जैक्टली, जरा समझाएं हमें। वी आर इन टू बिजनेस, वन इज ट्रस्ट सर्विसेज अंडर व्हिच वी आर इशूइंग द डिजिटल सिग्नेचर। We issue digital signature to individual organizations, and then we can issue digital signature to protect website. Okay. SSL and TLS certificate. And we also issue digital signature to the IoT devices for the encrypted communication between IoT devices. So this is one side of the business. And this is where we command 37.8% market share in India as the largest certifying authority. The other side of the business is the digital transformation and cybersecurity. So there we have 3 product. One product is a complete paperless workflow, including e-signature and digital signature. The other product is a certifying authority solution itself, which enables anybody to issue certifying authority and also issue the digital signature for individual SSL as well as for the IoT. And the third product is an authentication backbone by which anybody using digital signature can be authenticated by a large
agency whether the right person is using right type of signature is used, whether signature is expired, all those things. So fully, if you see, we have created a one-stop shop around the cyber security and digital transformation. Okay, perfect. So digital transformation or cyber security का main business है, उसमें भी digital signature वाले में आप almost 38% market share रखते हैं. So 38% market share मतलब सर इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी आप ही की है digital signature में? Yes. Okay. और number two कौन है सर? Number two SIFI technology from Chennai. जो अर्लियर जो पहले वो जिसका सत्यम के साथ टाइप होता था सिफी राइट सिफी वाज कॉल्ड सत्यम इन्फोवे राइट सर नाउ दे आर सिफी ओके परफेक्ट. अच्छा सर अब ये बताइए जो इश्यू आप लेकर आ रहे हैं उसमें 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, कौन से इन्वेस्टर्स है जो बेच रहे हैं इस इश्यू में और क्यों, प्लस 160 करोड़ का जो आप फ्रेश इश्यू लेकर आ रहे हैं उस पैसे का यूज कैसे करने वाले हैं सर? दिस यूज ऑफ फंड फर्स्ट आई विल टेल देन हाउ वी आर सेलिंग वी विल टेल. जी In the usage of fund, mainly 35 crore we are using for repayment of loan. And with that, we will become debt-free company. Then for the additional working capital, we are using 42 crore for the growth in the business. Then the other thing is the data center with the volume expansion and proposed more and more volume expansion. We need to increase the capacity of our data center and disaster recovery site. And also in some foreign country, they say you have to operate only out of the local data center. So that's why we propose to set up a data center in Europe and in Indonesia also because it's a big market. So all these put together 46 crore. Then again, three product we are going to develop new product, which is aligned to our digital transformation and cyber security product. On that, we are going to spend 15 crore. Then the US market expansion, another 15 crore. So totally these things put together 161 crore we are raising, on which 89 crore will go for general corporate expenses and balance will go for this all these areas. Then the selling share, the main key thing is the, as per the SEBI rule, minimum 400 crore offer has to be made. So that's where the promoters are selling. At present, up to now, we are a completely bootstrapped company. We had not raised any private equity or venture capital. So today almost 91% is held by the promoter family and 9% by the employee stock option holder. So now after this issue, when we make the offer for sale, still promoter family will continue to hold 70%. And this offer is necessary to make the size of 400 crore. Perfect. So ye aapke liye 400 करोड़ का इश्यू लाना था सर. मैं आपके फाइनेंशियल देख रहा था 2019 से, कंटिन्यूस ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है, 36% मार्जिन्स होना मतलब इजी बात नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन्स आपके 22% है. ये मार्जिन्स मेंटेन हो पाएंगे सर जो आप 35-36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट? आवर बिजनेस इज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड ऑल आवर आईपीस आर ओन्ड बाय अस. So that's where when the sales further and further increase, the incremental cost is not proportional. That's why with the sale increase, we are able to get this kind of a margin and I feel this can be maintained easily. Perfect. So margins maintain रह पाएंगे. ज्यादा growth कहाँ से आएगी इस business में? क्या मतलब क्या वजह है कि आपकी company जैसे top line देखें वैसे 137 करोड़ बहुत छोटी दिखती है, 131 करोड़ last year की, तो revenue growth कहाँ से आएगी सर? Revenue growth mainly from the enterprise solution business, because if you see the Frost and Sullivan report, which is put in the DRHP and the RHP, so on the enterprise solution segment, they have projected almost 30-40% growth. And also in India and internationally, they have projected from $11 billion to $25 billion. So that way, both in India and globally, the enterprise solution business is very robust and a lot of growth can come. And even in the digital service, trust services business, they have projected almost a 20% growth in India itself, and globally also a lot of growth we are seeing. So in both sides, growth will come, but the enterprise solution business growth will be more than the trust services growth. Okay, perfect. Thank you so much, Srinivasan sir. Samay dene ke liye business ko, aapka IPO kal se khul raha hai. और बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कल से आपका आईपीओ. थैंक यू सो मच. तो ई मुद्रा